हाय एवरीवन, तो आज हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन, और जिसका डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम। आप लोगों ने शांति निकेतन का नाम तो सुना ही होगा। वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस एक जगह है शांति निकेतन बोलपुर में। तो बेसिकली शांति निकेतन आप बाई ट्रेन या बस या कार किसी में से भी जा सकते हो। कोलकाता से सिर्फ 4 to 5 आवर्स है, जैम अगर ट्रैफिक जैम लगे तो। जगह तो कैसा है, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पापा हैं, वो इस जगह पे गए थे। इस जगह का नाम कुछ और था, बाबू डांगा समथिंग, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पे जाके उन्हें बहुत पीस, मतलब जो होता है शांति मिला था। तो वहाँ पे उन्होंने एक घर बनाया था, जो मंदिर मस्जिद एंड चर्च तीनों पैटर्न का है, तो उसका ही नाम दिया था शांति निकेतन इस घर का। तब से इस जगह का नाम है शांति निकेतन। और ट्रस्ट में अब जब भी जाओगे यहाँ पे, बेसिकली विंटर में जाना है क्योंकि समर में बहुत गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को एक अलग ही पीसफुल, मतलब अलग ही शांति मिलेगा। और नेचर बहुत ही नेचर, जो कि लोगों को नेचर बहुत पसंद है, गाच ट्री बहुत पसंद है, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये जगह। और आप लोगों को पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे स्टार्ट किया है। यहाँ पे सिर्फ स्टडी तो होता ही, इसके अलावा यहाँ पे डांस का भी स्टडी होता है। आर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है यहाँ पर। तो बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी आते थे, अभी भी हैं, और यहाँ पे चांस मिलना भी बहुत टफ है। बहुत ही अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में जाना आपको नहीं देगा क्योंकि गेट में ताला लगा होता है। पर बाकी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का हर चीज़ है, जो मतलब जो होता है ना, पर्स, शू, ड्रेस, उनका होता है कौन सा क्लोथ पहनते थे, उनको क्या क्या गिफ्ट मिला। और नोबेल भी है, नोबेल मतलब रियल वाला नहीं है क्योंकि उनका नोबेल जो है वो आप लोगों को पता ही हो गया है, पता ये चोरी हो गया है, बट रेप्लिका है। तो बहुत सारा चीज़ उनका था वहाँ पे, बट वो आपको नहीं, वीडियो एंड फोटोग्राफी करना वहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। बट अगर आप लोग कभी जाते हो तो ज़रूर विज़िट करना, वहाँ पे एक चार्ज पे करना होगा। और एक पार्क भी है, मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ पर भी आप जब एंट्री करोगे, यही पार्क है, वहाँ पे भी आपको पे करना होगा, पे करके ही एंट्री करना होगा। अच्छा है, लोकेशन बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। विश्वभारती के बारे में मैंने आपको बताया, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल भी है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने सुना है वहाँ पे गार्ड भी मिलता है। जब भी आप यूनिवर्सिटी के पास में जाओगे तो टोटो आप लोगों को बोलेगा, बहुत सारा रेट देगा कि इतना 1200 1000, बट उतने में मत जाना, 300 तक ही देना। हमने 300 ही दिया, आप जितना हो सके बार्गेन करके फिर उस टोटो पे उठना। तो वो लोग जितने भी यूनिवर्सिटी है वो लोग पूरा विश्वभारती यूनिवर्सिटी आप लोगों को घुमाएगा बाहर से, ठीक है, अंदर नहीं घुसने देगा। तो उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी घूम के, वहाँ पे बहुत सारा राजबाड़ी है, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा राजबाड़ी है और बहुत सारे साइट सीन भी है घूमने के लिए, यूनिवर्सिटी छोड़ के और सोनाचूड़ी हाट छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग घूम सकते हो यहाँ पे। बहुत 2-3 तो राजबाड़ी आप लोगों को मिल ही जाएगा, आई मीन बंगलो जो बोलते हैं, जो राजा के टाइम में था, महल, सॉरी, हाँ। तो ये वाला जो बंगलो महल है उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया, बहुत बहुत
बड़ा एरिया जोड़ के है वाला जो महल है, और बहुत ही ऊंचा लंबा है, बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे कोई गार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मेंटेन भी ठीक से नहीं है, इसलिए आई डोंट नो ये कितने दिन तक रहेगा। बट यहाँ पे और एक राजपरी है, वो बहुत सुंदर है, वो एकदम मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आप लोग जाते हो कार से या बस ट्रेन किसी से भी जाते हो, तो वहाँ से आप लोग टोटो या ऑटो करके बुक करके ये सब साइट सीन कर सकते हो। और दो तीन जगह था जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए टाइम के वजह से, क्योंकि सुबह 6 बजे हम निकले थे और अराउंड 11 और 11:30 तक हम पहुँचे। भी टाइम लगता है। और जिस राजबाड़ी की बात मैं कर रही थी वो यही है, बहुत सुंदर मेंटेन किया हुआ है। आप लोग करना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये वाला राजबाड़ी। और इसके अलावा शांति निकेतन में मोस्ट फेमस है सोनाजुड़ी हाट, जो एक मेला टाइप बैठता है पाइन फॉरेस्ट में, थोड़ा सा जहाँ पे बैठता है ना सोनाजुड़ी हाट, थोड़ा सा आगे जाओगे तो पाइन फॉरेस्ट है, वहाँ पे फोटो बहुत अच्छा आता है। और सोनाजुड़ी हाट आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे जो डांस करते हैं वो भी आप लोग जरूर करना, बहुत ही अच्छा फील होगा। बट वहाँ से कुछ खरीदना है तो सोच समझ के खरीदना, क्योंकि बहुत हाई प्राइस है। कोंकणीतला एक मंदिर है, वहाँ पे आप लोग जाके जरूर पूजा लेना, थोड़ा पास में ही है तो चाहते थे कि तुम जा रहे हो तो जरूर यहाँ पे विजिट करना। तो मैं भी गई थी पूजा देने, सब गए थे जो जो भी आए, सब लोगों ने पूजा दिया है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है पूजा देने। Thank you.